हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुरादाबाद नवाब वर्सेस बंकुरा हीरोज के बीच में होने वाला 10th T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 1:15 बजे होने वाला है। और ग्राउंड की बात करें तो फ्रेंड्स, बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी वेस्ट बंगाल में खेला जाएंगे। अगर लीग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये लीग का नाम है बाइजूस बंगाल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर्स हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं और बॉलर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुल मिला के यहाँ पर 40 से 50 प्लेयर यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। तो इसमें ना फ्रेंड्स, हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, मुझे फॉलो करना है, मुझे फॉलो ही करते यहाँ पर आपको टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे फ्रेंड्स, आप 100% जीत जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। अगर यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स, मुरादाबाद नवाब ने अभी तक इस सीजन में 2 मैच खेले और दोनों मैच हार गए फ्रेंड्स। ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल है तो यहां पर दोनों मैच हार के लास्ट पोजीशन पे है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ग्रुप ए में पूरे 5 टीम है। और वहीं यहां पर बंकुरा हीरोज की बात करें तो फ्रेंड्स, 3 मैच खेले, तीनों मैच हार के यहां पर 4th पोजीशन पे है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखा जाए तो दोनों टीम बॉटम ऑफ द टेबल है। अगर यहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो इस पिच पे यहां पर 115 से आपको यहां पर 120 रन तक देखने के लिए मिल सकता है। और पिच की बात करें तो फ्रेंड्स, बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, तो यहां पर बॉलर्स को ज़्यादा पिक करने के लिए कोशिश करना है फ्रेंड्स हम लोग को। उसके बाद यहां पर विनिंग चांसेस की बात करें तो यहां पर दोनों टीम के लिए 50-50% चांसेस है। मुरादाबाद नवाब यहां पर 50% जीतने की चांसेस है और बंकुरा हीरोज का भी 50% जीतने की चांसेस है। फ्रेंड्स, अभी तक ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जान गए, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन जाने से पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते ही मेरा चैनल हो जाएगा फ्रेंड्स। आप वहाँ जाकर ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल अपडेट, फाइनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर तो सारा फाइनल टीम, सारा अपडेट सब कुछ मैं आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना फ्रेंड, आपको फाइनल अपडेट, फ्री गिवे वे, तो फ्रेंड्स सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। एंड यहां पर अब मेन बात आते हैं फ्रेंड्स, आपको किस विकेट कीपर को लेना चाहिए, यहां पर मेन डाउट है अभी। तो यहां पर जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहां पर मैं 3 विकेट कीपर को पिक किए हैं। तो पहला प्लेयर है गौरव यादव, अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर लास्ट 2 मैच में 37 रन और 6 रन बनाए। और ओम सिंह की बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 4 मैच में 28 रन और 10 विकेट और यहां पर 10 रन बना के आउट हो गए, एक ही मैच खेले फ्रेंड्स अभी तक। और यहाँ पर अयान सिन्हा की बात करें तो 2 मैच में 78 रन बनाए, 7 रन 11 रन और यहाँ पर 13 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 विकेट कीपर को आपको यहाँ पर लेना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर तीनों में देखा जाए तो एक ही विकेट कीपर बेस्ट है, गौरव यादव। तो यहाँ पर मुरादाबाद नवाब से मैं, हम लोग यहाँ पर गौरव यादव को यहाँ पर पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 विकेट कीपर को ले लिया हम लोग। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरे 8 प्लेयर को यहाँ पर मैंने पिक किया। तो किसको लेना आपको यहाँ पर डाउट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट देख लीजिएगा फ्रेंड। देवोप्रिया घोष की बात करें तो 6 मैच में 140 रन बनाए, लेकिन इस सीजन में 2 मैच खेले, 2 मैच में 8 रन और 6 रन बना के आउट हो गए। और यहाँ पर मेघावरण रॉय की बात करें तो मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 0 रन 4 रन और कोई विकेट नहीं। पायल मुंडन की बात करें तो फ्रेंड्स, मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 20 मैच में 483 रन बनाए और 1 विकेट इनकी ओवरऑल स्टार्ट थे फ्रेंड्स यहाँ पर। और लास्ट 2 मैच में 8 रन और 0 पे आउट हो गए। और यहाँ पर सौम्या गुप्ता की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी ओवरऑल स्टार्ट से 6 मैच में 74 रन और 2 विकेट है। मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, 4 रन और 2 विकेट और 3 रन और 2 विकेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मैच खेले, दोनों मैच में इनको अच्छे विकेट्स मिले, 2-2 4 विकेट मिले पूरा। तो यहाँ पर लेकिन बैटिंग में बड़े स्कोर नहीं बने, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। जो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्ना दरीपा की बात करते हैं, एक्चुअल इनका रोल बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर ड्रीम इलेवन वालों ने यहाँ पर शिफ्ट किया गया फ्रेंड। अगर आपको देखना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्णव दरिबना, अर्णव सिन्हा है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 रन और 5 रन बनाए थे, इस प्लेयर को अवॉइड कीजिए। सुदीप्ता सहीस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट 2 मैच में, यहाँ पर 3 मैच में 1 रन कोई विकेट नहीं, 0+2 विकेट और 0 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेयर का भी खास स्टार्ट नहीं है। उसके बाद एसके साजुद्दीन की बात करते फ्रेंड्स, एक ही मैच इनको मौका मिला, 0 विकेट्स मिले थे। और यहाँ पर शुभदीप मंडल की बात करते फ्रेंड्स, 7 मैच में 95 रन बनाए, इनकी ओवरऑल स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर लास्ट 3 मैच में 23 मैच में 23 रन 42 रन, यहाँ पर आप देख सकते हो 23 रन 42 रन और 5 रन बनाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 2 से 3 बैट्समैन आपको यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। तो पहला प्लेयर है 23 और 42 5 बनाने वाले शुभदीप मंडल को यहाँ पर आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सौम्या गुप्ता को लीजिएगा फ्रेंड्स अपने टीम में।
उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन है पायल मंडल, क्योंकि यहाँ पर भले ही फ्लॉप हुए हैं लेकिन यहाँ पर इनकी ओवरऑल स्टार्ट्स अच्छा है। तो फ्रेंड्स जल्दी से पिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखा जाए तो एस गुप्ता है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद पायल मंडल है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अर्णा दरीपा को आप अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर पायल मंडल को ले लें, सौम्या गुप्ता को भी हम लोग ले लिए, और यहाँ पर शुभदीप मंडल को लेना है फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर, तो मंडल को भी हम लोग यहाँ पर ले लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैं तीन बैट्समैन को पिक कर लिए। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बेस्ट ऑलराउंडर्स आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो सुदीप्ता साहिस की, तो यहाँ पर सुदीप्ता साहिस की बात करें यहाँ पर एक अच्छी पॉइंट्स है इनका पास देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इनकी स्कोर एक बार देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, अब कभी भी पॉइंट्स देके टीम मत बनाना। तो यहाँ पर सुदीप्ता साहिस ने लास्ट तीन मैच में यहाँ पर एक रन कोई विकेट नहीं, 0+2 विकेट और 0 रन है, लेकिन यहाँ पर इनको कैचिंग रनआउट जिस चलते यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स मिले। तो कभी भी इस तरह आप टीम मत बनाना, इस तरह बनाओगे तो आप धोखा खा जाओगे। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 3 से 4 ऑलराउंडर लेने के लिए कोशिश करना हम लोग को यहाँ पर। तो पहला प्लेयर है आकाश हुसैन प्रमाणिक, अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, तो लास्ट दोनों मैच में 0 पे आउट हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन इनकी ओवरऑल स्टैट्स देखा जाए तो 29 मैच में 12 से 91 रन और 8 विकेट है। और अंकित चक्रवर्ती की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं यहाँ पर, 32 मैच में 868 रन बनाए और 18 विकेट लें, और इस सीजन में 30 रन कोई विकेट लें, 8 रन और 1 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रीतम मरजीत की बात करते हैं फ्रेंड्स 7 मैच में 47 रन और 3 विकेट है। उसके बाद सजद हुसैन की बात करें तो 8 मैच में 41 रन, ये दोनों प्लेयर अभी तक एक भी मैच नहीं खेले फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद सौमिक घोष की बात करें तो मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 13 रन और कोई विकेट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर विक्रम गौराई की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9+0 विकेट 4 रन और 29 रन है, और यहाँ पर विक्रम गौराई बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं। उसके बाद सौरभ मंडल की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 82 मैच में 406 रन और 125 विकेट इनकी ओवरऑल स्टेट, और यहाँ पर सीजन में बात करें तो लास्ट मैच में 3 रन 3 विकेट है, 2+0 विकेट 5 रन कोई विकेट नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 प्लेयर हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 1 से 2 ही ऑलराउंडर लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्लेयर का खास स्टार्ट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर सौरभ मंडल को यहाँ पर एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं इनके ओवरऑल स्टार्ट्स को भी थोड़ा देख के। उसके बाद देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रम गौराई की भी मुझे स्टार्ट्स अच्छा नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अंकित चक्रवर्ती है फ्रेंड्स, इनको आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्लेयर, तो यहाँ पर सौरभ मंडल ही है फ्रेंड्स यहाँ पर, इनको हम लोग ले लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और प्लेयर है यहाँ पर अंकित चक्रवर्ती, तो यहाँ पर दो प्लेयर जो मैं बोला था वही उन्हीं के अच्छे क्रेडिट्स है, तो यहाँ पर इनका ले लिया हम फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर गेंदबाजों की, तो फ्रेंड्स ये बॉलिंग पीछे आपको स्टार्टिंग मैंने बताया, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं एक अच्छे बॉलर्स को लेने के लिए। तो यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर बॉलर में देख सकते हैं यहाँ पर अभिजीत प्रमाणिक अलामीन एसके, तो यहाँ पर आपको बेस्ट बॉलर्स मैं देने वाला हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। तो पहला बॉलर है यहाँ पर अभिजीत प्रमाणिक, इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, अगर इनके ओवरऑल स्टार्ट में 6 मैच में 15 रन और 5 विकेट है। और अलामीन एसके की भी आप बात करें तो मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 8 मैच में 72 रन और 4 विकेट है, 3 रन बनाए लास्ट मैच में, इन दोनों को आप अवॉइड कर दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और अनिश पांडे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 27 मैच में 78 रन बनाए और 20 विकेट ने, ओवरऑल स्टार्ट तो अच्छा है लेकिन अभी तक एक भी मैच नहीं खेले। और मनोज महतो की बात करें तो फ्रेंड्स 2 मैच खेले, दोनों मैच में 1-1 विकेट मिला, 0+1 विकेट, 4 रन और 1 विकेट है। और राहुल हजरा की बात करें तो फ्रेंड्स 7 मैच में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राहुल हजरा को देख सकते हैं 7 मैच में 60 रन और 5 विकेट है इनकी ओवरऑल स्टैट, लेकिन इस सीजन में अभी भी 1 मैच भी नहीं खेले। और श्यामल बरोई की बात करते हैं फ्रेंड्स मुरादाबाद नवाब के लिए खेलते हैं, 1 रन 1 विकेट 6 रन और 1 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट मिला। एसके अली की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 3 मैच खेले फ्रेंड्स, 3 मैच में इनको विकेट मिला, 1 रन 3 विकेट 0 रन 1 विकेट और यहाँ पर 1 रन 2 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनको कंफर्म कीजिएगा, लास्ट 3 मैचेस में इनको 6 विकेट मिला। उसके बाद यहाँ पर विवेक कौरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 19+0 विकेट 5+0 विकेट और 0 रन और 3 विकेट है, तो यहाँ पर 3 मैच में 3 विकेट मिले। अभिषेक खान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 10 रन 25 रन और कोई विकेट नहीं है। प्रत्युषा बनर्जी यहाँ पर 16 रन बना के आउट हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर। समीर डिबार की बात करते फ्रेंड्स बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 9 मैच में 170 रन और 21 विकेट है, 0 विकेट्स ने लास्ट मैच में। उसके बाद यहाँ पर संजीव गराय की बात करते बंकुरा हीरोज के लिए खेलते हैं, 24 मैच में 13 रन 54 विकेट है और यहाँ पर लास्ट 3 मैच में 1 रन 1 विकेट 4 रन 8 विकेट 0+0 विकेट है। और स्नेहाशीष चक्रवर्ती की बात करते 0 रन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलर्स की भी बात करते हैं, यहाँ पर खास स्टार्ट्स नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको ओवरऑल स्टार्ट्स देखिए आपको जाना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला प्लेयर अनिश पांडे को पहले कंफर्म कीजिए, लेकिन यहाँ पर इससे पहले आपको जो जो अभी मैचेस खेले उनको पहले लेना है। मनोज महतो को एक प्लेयर को कंफर्म कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद श्यामल बरोई है, इनको भी कंफर्म कीजिए। उसके बाद एसके अली है, उसके बाद यहाँ पर विवेक कौरी को लीजिएगा फ्रेंड्स। अभिषेक खान को आप चाहे तो ले सकते हो,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स संजीव गराय को आपको लेना है, तो फ्रेंड्स जल्दी से पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गेंदबाजों में अब देखा जाए तो गराय है फ्रेंड्स, यहाँ पर अनिश पांडे है, उसके बाद यहाँ पर मनोज महतो है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके बाद बी कौरी और किस्मत अली है फ्रेंड्स। यहाँ पर तो देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पांच बॉलर्स को मैंने ले लिया। तो फ्रेंड्स अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, सौरभ मंडल यहाँ पर जो है आपको बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए अर्पिता चक्रवर्ती आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस गुप्ता पर जाने वाला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा टीम बन गया। तो अगर यहाँ पर विकेट कीपर्स की बात करते हैं, जी यादव को मैंने लिया, और बैट्समैन थ्री बैट्समैन को लिया फ्रेंड्स, एस गुप्ता, पी मंडल और यहाँ पर एस मंडल है। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स में ए चक्रवर्ती और एस मंडल है। उसके बाद यहाँ पर बॉलर्स में यहाँ पर अनिश पांडे, मनोज महतो, एस गराय, बी कौरी और एस किस्मत अली है फ्रेंड्स। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन में यहाँ पर एस मंडल और यहाँ पर एस गुप्ता है। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी प्लेयर मिस होगा तो फ्रेंड्स आपको फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पर ही दे पाऊँगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आपको बताएं स्टार्टिंग में किस तरह आपको गूगल पे सॉरी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते मेरा चैनल शो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको मैं वहीं पर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।